नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट से जुड़ी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज विश्व कप का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर विश्व कप 2019 का खिताब अपने नाम कर लिया। दोस्तों, यह मुकाबला वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे रोमांचक मुकाबला रहा, क्योंकि यह मैच 50 ओवरों का भी टाई अप हुआ, उसके बाद सुपर ओवर भी टाई अप हुआ। बता दें, पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 241 रन बनाए। 242 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने भी 50 ओवरों में 10 विकेट गंवाकर 241 रन बनाए और मैच टाई अप हो गया। मैच टाई अप होने के बाद सुपर ओवर में चला गया। दोनों टीमों को एक एक सुपर ओवर मिला। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 6 बॉलों में यानी के एक ओवर में 15 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 16 रनों का टारगेट दिया। 16 रनों का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भी एक ओवर में यानी 6 गेंदों में 15 ही रन बनाए और मैच सुपर ओवर में भी टाई अप हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपर ओवर में भी विजेता का फैसला नहीं हुआ, तो फिर विजेता का फैसला कैसे हुआ? आपकी जानकारी को बता दें कि यदि मैच का फैसला सुपर ओवर में भी नहीं होता है, फिर उसके बाद रूल है कि जिस टीम ने अपनी इनिंग में सबसे ज़्यादा चौके छक्के लगाए हों, उस टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है। जिसके मुताबिक आज के मैच में इंग्लैंड की टीम ने सबसे ज़्यादा चौके छक्के लगाए थे, जिसके आधार पर इंग्लैंड की टीम को विजेता घोषित किया गया और इंग्लैंड की टीम ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। विश्व कप 2019 को इंग्लैंड के रूप में क्रिकेट का एक नया विजेता मिला है। इंग्लैंड ने विश्व कप के 12 सीजन में पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों, इंग्लैंड के जीतने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें।